टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आज सभी ज्वेलर्स की दुकानें बंद हैं और आगे भी बंद रहने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल मुंब्रा के अमृत नगर के पास सागर गोल्ड के मालिक कमलेश बोहरा को भिवंडी क्राइम ब्रांच पकड़कर ले गई है। क्राइम ब्रांच शनिवार को एक आरोपी को अपने साथ लेकर मुंब्रा आई थी और इस आरोपी ने बताया कि सागर गोल्ड में उसने करीब 22 तोला सोना बेचा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी कर कमलेश बोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। मगर मुंब्रा अमृत नगर कौसा ज्वेलर्स एसोसिएशन ने आज एक मीटिंग मुंब्रा के शंकर मंदिर परिसर में रखी थी। एसोसिएशन का कहना है कि कमलेश बोहरा निर्दोष हैं, उन्होंने किसी भी तरह का गुनाह नहीं किया है। कमलेश बोहरा को इंसाफ मिलना चाहिए। इनका आरोप है कि उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। इस संबंध में एसोसिएशन के लोगों ने गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभाट और पुलिस प्रशासन और भिवंडी क्राइम ब्रांच के अधिकारियों से भी मुलाकात की, मगर कोई बात नहीं बनी। हालांकि गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आभाट ने इन्हें आश्वासन जरूर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस की अपनी कार्यशैली है, हम पुलिस प्रशासन पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगा रहे हैं, मगर वहीं एसोसिएशन के लोगों ने भी पुलिस प्रशासन से पत्र व्यवहार कर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। और मुंब्रा अमृत नगर कौसा ज्वेलर्स एसोसिएशन ने आज मीटिंग के दौरान पत्रकारों से क्या बातचीत की है, आपको सुना दें। मैं संजय कुमार जैन, मुंब्रा ज्वेलर्स कौसा अमृत नगर आनंद कोलीवाड़ा ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से बात बता रहा हूँ कि शनिवार के दिन भिवंडी क्राइम ब्रांच यूनिट से सागर गोल्ड में साहब आए और बोले कि इस चोर ने यहाँ पे 24 तोला सोना बेचा है। तो हमने साहब को बताया कि साहब आप कभी बेचा है, आप चाहिए तो हमारे पास DVR है, वो ले लो, उस पर जाँच कर लो। हमारे इस चोर को हमने कभी देखा भी नहीं है और इस मुंब्रा ज्वेलर्स एसोसिएशन में कोई भी मेंबर ऐसा बिना बिल का एक भी ग्राम माल सोना लेता नहीं है। फिर साहब ने हमारी कोई बात को सुना नहीं, उन्होंने 41 और 91 का नोटिस देके हमें मुंब्रा पुलिस चौकी में बुलाया। मुंब्रा पुलिस चौकी में हम एसोसिएशन वाले मेंबर गए तो उन्होंने वापस दुकान पे आके बोले 41 का नोटिस लो। 41 का नोटिस हमको सोमवार का दिया तो बोले भिवंडी में उधर आके मिलो, कमलेश बोहरा को ऐसा बताया। हम लोग कमलेश बोहरा के साथ में 4-5 लोग ज्वेलर्स एसोसिएशन के गए, साहब को पूरा बताया कि 200 ग्राम सोना, 25 तोला सोना बहुत सोना होता है, कोई भी आदमी इतना सोना एक साथ ले ही नहीं सकता, ये एकदम फर्जी केस है, आप इसमें बरोबर इंक्वायरी करो, चोर किसी को बचा रहा है और हमारे को फंसा रहा है, आप इसको निष्पक्ष जांच करो। लेकिन साहब ने हमारी बात को नज़रअंदाज किया, बोले नहीं हमारे पास ये FIR है, वैसा है वैसा है करके अरेस्ट कर लिया। तो हमने उस अरेस्ट के खिलाफ मुंब्रा पूरा कोसा से लगा करके स्टेशन तक इसको बंद रखा है और हमने मुंब्रा पुलिस चौकी से लगा करके कमिश्नर साहब तक सभी को एक लेटर दे रहे हैं इस बाबरे की पूरी निष्पक्ष जांच कराई जाए और हमको न्याय दिलाया जाए और भविष्य में कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वेरिफिकेशन करे बिना किसी भी सोनार को लेके नहीं जाए और हमें न्याय मिले, ऐसी अपेक्षा है। इस बाबत में आपने यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे मुलाकात की है? हमने कल रात जितेंद्र आवार साहब जो माननीय मंत्री भी है उनसे रात को मुलाकात की, उन्होंने हमारी बात को सुना, उन्होंने बोला कि तुमने पहले ये डिसीजन हमारे से मिलना चाहिए, फिर भी उन्होंने अधिकारी को भी निर्देश दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच करो और कोई भी ज्वेलर्स वाला अधिकारी बिना गलती के कोई सजा नहीं पाए, ऐसे उन्होंने आश्वासन भी दिया और सामने वरिष्ठ अधिकारी से बात भी की। आप लोगों का कहना है कि भिवंडी से जो क्राइम ब्रांच के लोग आए थे वो लोग एक चोर को लेकर आए थे, तो क्या वाकई में जो दुकानदार हैं उन्होंने उससे जेवर वगैरह लिए थे या नहीं लिए थे, इसके बारे में आप लोगों ने उनसे भी बातचीत की तो उन्होंने क्या बताया? साहब के बोलने के बाद जब साहब मुंब्रा पुलिस स्टेशन गए तो हमने साहब को बोला हम उनकी पूरी इंक्वायरी करेंगे, अगर ज्वेलर्स एसोसिएशन का कोई भी सदस्य एक ग्राम भी सोना लेगा तो हमारे एसोसिएशन का नियम है हम आपकी मदद करके उस ज्वेलर से पूरा सोना रिकवरी कराएंगे। साहब के बोलने से हमने 1 जनवरी 2021 से लगा करके 30 जून 2021 तक के सभी पेपर चेक किए, उसमें किसी प्रकार का कोई गोल्ड का लेन देन नहीं पाया गया उनके बताए अनुसार। फिर हमने वो साहब को बात बताई कि साहब आप जो बोल रहे थे कि इन्होंने इस तारीख के बीच बीच में लिया है, हमने इसकी जांच की, पूरा
आदमी से परिचय कराया, उनको इतना भी बोला कि अगर तेरे से गलती हो गई हो तो हम साहब से बात करके इस मैटर को बात करेंगे कि भाई गलती हो गई है। लेकिन उसने बोला कि किसी भी हालत में मैंने उस चोर को देखा भी नहीं, सभी पेपर भी दिखाए, देख लो कोई भी 2 लाख का ऐसा गोल्ड खरीदा हुआ, 1.5 लाख का खरीदा हुआ मामला नहीं है, इतना बड़ा कोई गोल्ड खरीदा भी नहीं किसी से, और उस चोर को तो कभी ज़िंदगी में देखा भी नहीं है। तो फिर हमने उनसे साहब से बहुत रिक्वेस्ट किया कि देखो साहब, ये आदमी को कभी देखा नहीं, मिला नहीं, और हमने भी पेपर चेक किया, आप चाहे तो मैं आपको पेपर सब चेक करा सकता हूँ। फिर भी वो साहब ने हमारी बात को नहीं सुना। तभी आप लोग आगे और क्या प्रोसेस करने वाले हैं? एक्चुअली क्या है, आगे तो अभी हमने यही सोचा, आज का पहला दिन है, तो पहला दिन हम लोग ने, हमारे खिलाफ़ अन्याय हो रहा है, उस वजह से अमृत नगर ज्वेलर्स, खोसा ज्वेलर्स एसोसिएशन, आनंद कोलीवाड़ा, मुंबरा स्टेशन तक करके करीब 100 से 150 ज्वेलर्स की शॉप है, हमारे को न्याय नहीं मिलने की वजह से आज सभी ज्वेलर्स की दुकानें बंद रखी गई है। और आज शाम तक कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स अगर नहीं आया तो भविष्य में आने वाले समय में कलवा थाना तक भी हम लोग आगे बंद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे को न्याय मिलना चाहिए, और ये बिल्कुल ज्वेलर्स वाले के साथ में ऐसा अन्याय हो रहा है।